खामनेई ने बंकर से आदेश दे दिया है कि ईरान 2 लाख मिसाइलों और रॉकेट से इसराइल पर हमला करे। ईरान इतनी बुरी तरह से बौखला गया है कि उसने 57 मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो इसराइल से जंग को तैयार हो जाए। इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने हमला किया तो ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां इसराइली हमले ना करे। ईरान का ऐलान, अब जंग लड़ेंगे 57 मुस्लिम देश। बत्तीस साल तक हिजबुल्ला का चीफ रहा 64 साल का हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। लेबनान से लेकर ईरान तक नसरल्लाह की मौत पर 5 दिन तक का मातम मनाया जा रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को गुप्त बंकर में पहुंचा दिया गया है। ईरान को डर है कि नेतन्याहू के न्यू ऑर्डर ऑपरेशन के तहत कई इजरायली सेना ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को भी नसरल्लाह की तरह मार सकती है। हालात ये हो गए हैं कि ईरान ने अब इस्लाम के नाम पर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। ईरान अब पूरे मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड में ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि आज इसराइल हिजबुल्लाह को तबाह कर रहा है, कल ईरान को बर्बाद करेगा और फिर किसी और मुस्लिम देश को इजरायली सेना तबाह करेगी। इसलिए बेहतर है कि सभी 57 मुस्लिम देश मिलकर इसराइल से जंग में मुकाबला करें। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 57 मुस्लिम देश मिलकर इसराइल पर हमला करने की हिम्मत दिखा सकते हैं? لمن این شهادت ضایعه بزرگی هست ولی هیچ خللی در مقاومت ایجاد نخواهد کرد و همونطوری که شهادت اول دبیر کل قبلی حزب الله شهید سید عباس موسوی हम आपको हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान से जुड़ी इस खबर में ऐसे हैरान और दिलचस्प करने वाली जानकारी देने जा रहे हैं जहां आपको पता चलेगा कि इसराइल ने कैसे जबरदस्त हमलों से लेकर ईरान के इस्लामिक जंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से ईरान हिजबुल्लाह की बुरी तरह से किरकिरी हो रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की लाश हमला होने के 20 घंटे बाद मिल पाई है, तब जाकर हिजबुल्लाह ने उसकी मौत की पुष्टि की है। इजरायली फाइटर जेट ने 80 टन बमों से धमाके किए थे जिसकी वजह से लाशों के चीथड़े उड़ गए थे। इधर ईरान पर भारी दबाव है कि वो इजरायल पर जबरदस्त पलटवार करे, लेकिन ईरान हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इधर इजरायल ने महज 10 दिन के अंदर ही इतने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं कि हिजबुल्लाह चीफ से लेकर हिजबुल्लाह के 17 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि घातक और लंबी दूरी मिसाइलों से इजरायल पर हमला करने का प्लान पूरी तरह से तबाह हो गया है। दावा किया जा रहा है कि नसरल्लाह के साथ साथ ईरान की IRGC का डिप्टी कमांडर अब्बास निलफोरूसन और हिजबुल्लाह के कम से कम 8 कमांडर मौके पर ही मारे गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन भरे पड़े हैं, लेकिन कोई इसराइल पर हमला करने का आदेश देने वाला नहीं बचा है। इसराइल ने गाजा जंग से सबक लेकर हिजबुल्लाह के खिलाफ एक फॉर्मूला खूब इस्तेमाल किया है, जनरल मारो जंग जीतो, कमांडर मारो कोहराम मचाओ। इसराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को मारकर संगठन के मनोबल को तोड़कर रख दिया है। इसराइल ने सबसे पहले हिजबुल्लाह के अजीज यूनिट के कमांडर मोहम्मद नस्सर को ढेर किया, इसके बाद नस्सर यूनिट के कमांडर समी तालेब अब्दुल्ला को मार गिराया, रॉकेट और मिसाइल डिवीजन के कमांडर इब्राहिम कुवैसी को बेरूत में मारा। इसराइल पर रॉकेट बरसाने वाले कमांडर इब्राहिम मोहम्मद को मारकर इसराइल ने हिजबुल्लाह के हवाई हमलों की क्षमता को सीमित कर दिया। इसके बाद राइडवान फोर्स के कमांडर इब्राहिम अकील को मारा, उससे पहले रणनीतिक यूनिट के प्रमुख फुहाद शुकर को बेरूत में ढेर किया। इसराइल पर हमला हिजबुल्लाह के दक्षिणी फ्रंट से हो रहा था। सबसे पहले इसराइल ऐसी फ्रंट के प्रमुख अली कराकी को मौत के घाट उतारा। उसकी मौत की वजह से इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों में भारी कमी आई। इसके बाद कमांडर विसम अल तवील को मार गिराया, राइडवान फोर्स को ट्रेनिंग देने वाले अबू हसन समीर को मौत की नींद सुलाया, इसराइल पर निगरानी करने वाले एरियल यूनिट के कमांडर मोहम्मद हुसैन को मारकर इसराइल ने संगठन की ताकत को बेहद कमजोर कर दिया। 27 सितंबर को इसराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह को मारकर हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है।
अब ऐसे हालात में ईरान क्या इसराइल से हिजबुल्ला चीफ की मौत का बदला लेने की हिम्मत जुटा पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।